नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं किरण शर्मा। हाल ही में हरियाणा में लोकसभा चुनाव हुए और जो नतीजे सामने आए वो बेहद ही चौंकाने वाले रहे हैं। बीजेपी को ना सिर्फ देश में बल्कि हरियाणा में भी कई जगह वोट की चोट सहनी पड़ी। बीजेपी मानकर चल रही थी कि हरियाणा की सभी सीटों पर पिछली बार की तरह 10 की 10 सीट पर जीत मिलेगी, लेकिन जनता को भाजपा का विकास दूर दूर तक नजर नहीं आया, जो नाराजगी बनकर वोट कटौती के रूप में सामने आया। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 5-5 सीटें मिली हैं। भाजपा ने दक्षिण हरियाणा की गुड़गांव, फरीदाबाद और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस ने मध्य हरियाणा की रोहतक, सिरसा और हिसार लोकसभा सीटों पर जीत का परचम लहराया। अब लोकसभा चुनाव तो हो गए और आगे आने वाले हैं विधानसभा चुनाव। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब केवल 4 और 5 महीने का समय बचा है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस ने अभी से अपनी कमर कस ली है। हालांकि बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस आने वाले चुनावों को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रही है। हरियाणा लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से प्रदेश की सियासत तेजी से बदल रही है। केंद्र में भले ही मोदी सरकार एक बार फिर से आई हो, लेकिन कांग्रेस में जीत से भी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि बीजेपी ने जहां पिछली खामियों को दूर करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपने कुनबे को मजबूत कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सूपड़ा साफ होने वाला है। उन्होंने इस बात का खुलासा भी किया कि केवल बीजेपी नहीं बल्कि अन्य दलों के नेता भी तेजी से कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। नई दिल्ली के कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास जनता को जात और धर्म के नाम पर लड़वाने के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। हरियाणा में सत्ता विरोधी लहर चल रही है और इसी वजह से विधानसभा में बीजेपी का सूपड़ा साफ होने वाला है। अब क्या ऐसा हरियाणा में हो सकता है, तो समझिए कि पहले के मुकाबले इस बार भाजपा के वोटों में करीब 12% की गिरावट देखने को मिली है। 2019 में भाजपा को 58% वोट मिले थे, जो इस बार घटकर 46% ही रह गया है। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में सत्ता विरोधी लहर चल रही है, विधानसभा चुनाव में जनता बीजेपी का सूपड़ा साफ कर कांग्रेस की सरकार लाने जा रही है। हुड्डा बोले कि इस बार जनता ने सिर्फ बीजेपी को नहीं बल्कि विपक्ष का वोट बांटने के लिए चुनाव लड़ने वाली पार्टियों को भी अच्छा सबक सिखाया। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी वोट काटू उम्मीदवारों को जनता इसी तरह नजरअंदाज करेगी और कांग्रेस को जीत दिलवाएगी। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि हरियाणा की जनता ने बीजेपी को हटाने का मन बना लिया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता पूरी तरह से बीजेपी का सूपड़ा साफ करने वाली है। हुड्डा ने इस बात का जिक्र किया कि पिछले 2 साल में बीजेपी समेत अन्य दलों के 40 से ज़्यादा पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस को समर्थन दिया है। हालांकि सिर्फ ऐसा नहीं है, कई कांग्रेस सांसद भी बीजेपी में कांग्रेस को छोड़कर शामिल हुए हैं। अब बाहरी तौर पर यह जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन हुड्डा जी ये बात जाहिर की कि लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस में ताबड़तोड़ ज्वाइनिंग शुरू हो चुकी है और अगर इसी तरह समर्थन बना रहा तो आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। अब वो कौन नेता जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं उनके नाम जान लेते हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने बताया कि दिल्ली निवास पर सिरसा के पूर्व सांसद आत्मा सिंह गिल की बेटी अमरजीत कौर कांग्रेस में शामिल हो चुकी है। वे बीएसपी प्रत्याशी के रूप में 2009 में चुनाव लड़ चुकी है और आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई है। उनके अलावा बीजेपी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक सुनील वर्मा नंबरदार, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ भिवानी के मीडिया प्रभारी जय भगवान, पर्यावरण प्रकोष्ठ भिवानी बीजेपी के सह संयोजक जयराज बिडलान समेत कई नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इन नेताओं की ज्वाइनिंग के समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान भी मौजूद रहे। उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा के उस दावे का समर्थन किया जिसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी का सूपड़ा साफ होने वाला है। उदयवान ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस का कुनबा लगातार मजबूत हो रहा है और बीजेपी सत्ता में है, लेकिन फिर भी बीजेपी को छोड़कर लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। उदयवान ने तो ये तक कह दिया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी हाफ रह गई है, लेकिन अब आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से साफ हो जाएगी। जनता जान चुकी है कि बीजेपी धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़वाकर सत्ता में आती है, लेकिन हरियाणा की जनता बंटवारे में नहीं बल्कि भाईचारे में भरोसा करती है। इसलिए आने वाले समय में कांग्रेस का होगा और आने वाले समय में लोग कांग्रेस को ही जीत हासिल करवाएंगे। अब आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो समय बताएगा, पर जिस तरह लोकसभा चुनावों के नतीजों ने सबको चौंका दिया है,
विधानसभा चुनाव किस ओर जाएंगे और किस पार्टी को जीत दिलवाएंगे ये समय बताएगा। इसकी भी आपको अपडेट देंगे और जुड़ेंगे आपके साथ। जब तक के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।